एंटी नारकोटिक सेल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन रंजीत सिंह निकला आज लुधियाना पहुंचे। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में नशे की मेन लाइन पूरी तरह से टूट चुकी है। जो लोग बड़े लेवल पर नशे की तस्करी किया करते थे, उन पर शिकंजा कसने में हम कामयाब हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे लेवल तस्कर गलियां मोहल्लियां बेच रहे थे, जिहड़ा कि एजेंसियां वालों पंजाब विरोधी एजेंसियां वालों काम किया जा रहा हूँ कि नौजवान जिहड़े गरीब ने गरीब बच्चे ने पिंडां दे विच उन्हां नूं फ्री जिहड़ी है ड्रग्स दित्ती जा रही है। कि उह टीका लाया तां लांदे ही मर गया, कोई गिर गया बेहोश हो गया, वह एक पंजाब प्रति अते पंजाब कांग्रेस दी सरकार दे प्रति जिहड़ी है वड्डी साजिश रची जा रही है, जिहदे करके आपां इक्का दुक्का जिहड़े खबरां आउंदी कोई फलाणा उत्थे मर गया, फलाणा उधर मर गया, कोई गिर गया, पर मेन लाइन टुट चुकी है। हुण पंजाब सरकार वालों जिहड़े नशा कर रहे नौजवान ने उन्होंने लिए मुफ्त इलाज की जिहड़ी सहूलत है मुहैया की गई है पंजाब के सारे सरकारी हॉस्पिटल। नशा छुट्टेगा नहीं, लोग कहते हैं पुराने बजुर्ग पुराने बजुर्ग साल दो साल चार साल के ने जिहड़ा जिहड़ा मजदूरी बजुर्ग कर रहा है जिन्हों आदत सी वो अज मतलब पिछले 20 साल तो 30 साल तो कर रहा है, पर उसकी एज भी तो 2-4 साल है ना जी, उसकी 2-4 साल 5 साल की एज है, उसके पिछले आने वाली पनीरी थोड़ा खराब करनी है, फिर तो घर च ही नशा हो जाएगा। हर एक दे अपनी वार्ड ला के खेत च उ बीजा करेगा, वो पहला आप लगेगा, बाकी देने। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।